देखिए बाहर से यात्रा करने यहाँ पर जम्मू में पहुंचे हैं कुछ लोग जो कि गीता भवन में भी ठहरे हैं कुछ यात्री। अभी फिलहाल तक की मैं बात करूं गीता भवन से, तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए किसी व्यक्ति का बैग जो है वो गुम हो गया है और जिन व्यक्ति का बैग गुम हुआ है, लास्ट फुटेज जो सीसीटीवी कैमरा के सामने आई है वो ये सामने आ रही है कि ये व्यक्ति जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति जो है वो बैग लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हो सकता है इन्होंने गलती से बैग उठाया हो, पर अभी तक की खबर की मैं बात करूं तो जो खबर सामने आ रही है एक व्यक्ति का बैग गुम हो जाता है, जिसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है उसमें सामने ये आता है कि ये व्यक्ति जो है वो बैग लेकर जा रहे हैं। हालांकि अभी ये भी हो सकता है कि गलती से ये बैग जो है वो लेकर जा रहे हो, गलती से इन्होंने बैग उठा लिया हो, पर जो सीसीटीवी फुटेज की कुछ तस्वीरें सामने आई है ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें ये बैग ले जाते हुए साफ यात्री नजर आ रहे हैं। अभी गीता भवन में ये तस्वीरें हैं, ये वो बैग है जो उन्होंने लिया है, उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं ये ले जाते हुए। ये किसी यात्री का बैग यहाँ पर पड़ा हुआ था अमरनाथ यात्रा के लिए, यात्री जो हैं वो इस समय जम्मू में पहुंचे हुए हैं। ये वो बैग की तस्वीरें हैं जो बैग गुम हुआ है, ये बैग किसी का था, जिसके बाद ये बैग जब जो व्यक्ति जिसका था यहाँ पर छोड़ के गया था, जब वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो उसका बैग उसे उस स्पॉट पर नहीं मिलता, जिसके बाद वो घबरा जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बैग में जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जरूरत का सामान हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, काफी ऐसी चीज हो सकती है जो यात्री श्रद्धालु बाहर से ही साथ लेकर आए थे। जिसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई गीता भवन की तो सामने ये आया कि ये वो व्यक्ति हैं जो वहां से बैग उठाते हैं और बैग उठा के आगे की ओर जा रहे होते हैं। ये देखें एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, ये वो तमाम फुटेज हैं जो बैग लेकर जाते हुए ये व्यक्ति जो है वो नजर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बैग यहाँ पर पड़ा आपको नजर आएगा, अगर जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखें यहाँ पे ये बैग पड़ा हुआ नजर आया, जिसके बाद कुछ समय बाद जो है वो यहाँ से ये बैग ले गए। तो अभी आप देखें हो सकता है गलती से बैग उठा लिया हो, तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को गीता भवन में देखते हैं तो प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि जो बैग उनके पास है वो किसी और का है, या अगर खुद ये व्यक्ति इस खबर को सुनते हैं तो प्लीज आपने जो बैग उठाया है वो आप चेक कर लीजिए आपका नहीं है। आप तुरंत जाकर गीता भवन में अनाउंसमेंट इस चीज के लिए करवा दीजिए, या वहां पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी आप जाकर इस चीज के लिए अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान दें। और फिलहाल ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बैग उठाया है, तो देखें किसी का सामान उसमें हो सकता है, जरूरी सामान उसमें हो सकता है, तो आप लोग जो है वो इस खबर को ध्यान से सुनिए। तो अगर आप लोग इस बैग को कहीं भी देखते हैं या इन व्यक्तियों को कहीं भी देखते हैं तो तुरंत जो है वो वहां पर अनाउंसमेंट करवाइए। अगर ये व्यक्ति खुद इस वीडियो को देखते हैं तो अनाउंसमेंट जो है आप करवा दीजिए, क्योंकि ये बैग किसी और का है, आपने हो सकता है कि गलती से उठा लिया हो, और जो है इस बैग को चेक करें और तुरंत जो है वो पुलिस को इत्तला करें। देखें फिलहाल इस समय अमरनाथ यात्रा के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो जम्मू में पहुंचे हैं, कुछ बेस कैंप भगवती नगर में रुके हैं, कुछ गीता भवन में रुके हैं, कुछ वैष्णवी धाम में रुके हैं। अलग अलग जो रुकने के लिए यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए जो अलग अलग जगहें बनाई गई हैं, वहां पर श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर रुकते हैं, जिस बीच गीता भवन भी एक स्पॉट है जो आइडेंटिफाइड किया जाता है इन श्रद्धालुओं के रुकने के लिए। देखिए वहां पर श्रद्धालु इस कदर रुकते हैं, वहां से अपना पंजीकरण भी करवाते हैं जिन्होंने तत्काल रूप में करवाना हो, और वहीं से जो है अपना कार्ड वगैरह लेकर जत्थे के साथ रवाना हो जाते हैं। अब कुछ ही देर में पहला जत्था रवाना किया जाएगा, और पहले जत्थे में रवाना होने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं जम्मू में। जिसके बाद अभी तक की मैं बात करूं तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं, एक व्यक्ति का वहां पर बैग गुम हो जाता है, जिसके बाद वो व्यक्ति जो है तुरंत वहां पर अनाउंसमेंट करवाता है, पर अनाउंसमेंट करवाने के बाद भी उसे कुछ हाथ नहीं लगता, जिसके बाद वहां पर स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाता है। हमें भी स्थानीय पुलिस द्वारा ये फुटेज सामने लगी है, ये तस्वीरें सामने आई है। स्थानीय पुलिस ने ये बताया है कि प्लीज अगर कोई भी ऐसा देखता है तो वो तुरंत जो है वो हमें इतला करें, हमें सूचित करें, या फिर नजदीकी गीता भवन में ही आप अनाउंसमेंट भी इसके चलते करवा सकते हैं, क्योंकि जिनका ये बैग है वो काफी ज्यादा परेशान है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। इस बैग को कहीं भी देखते हैं तो जिस श्रद्धालु का ये बैग है आप प्लीज उसे हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान हो गया इस चीज को लेकर, क्योंकि उस व्यक्ति के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस बैग में थे, उसका तमाम जरूरत का सामान इस बैग में था। तो इसलिए आप लोग जो हैं वो तुरंत से जल्द हो सके सूचित कीजिए, और आप लोग भी इन फ्यूचर ध्यान रखें कि अगर आप कोई बैग उठा रहे हैं आप मेक श्योर कीजिए वो बैग आप ही का, क्योंकि एक जैसे दिखने वाले भी काफी ज्यादा बैग्स होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इन चीजों को भी ध्यान में रखिए। फिलहाल SHO पकड़ंगा की बात करें तो वो पूरी कोशिश इसमें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बैग ढूंढा जाए, और अभी ये फुटेज भी जो है वो उन्होंने पहुंचाई और ये कहा कि इस पर एक खबर इस तरह की बनाई जाए ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे और बैग जो है वो जल्द से जल्द
मिले। और अगर आप लोग यात्रा पर जा रहे हैं तो आप लोग जो भी बैग उठाते हैं आप लोग पहले बिल्कुल वो देखिए, इंश्योर कीजिए कि वो बैग आप ही का है या नहीं, क्योंकि एक जैसे दिखने वाले काफी बैग्स होते हैं, तो आपको इसके चलते कंफ्यूजन ना हो और आप किसी का बैग ना उठा लें। क्योंकि अगर आप किसी का बैग उठा लेंगे तो जाहिर सी बात आप अपना कहीं छोड़ रहे हैं और जिसका बैग आप उठा रहे हैं उसे इसके चलते चिंता हो सकती है। तो आप लोग देखते रहे आगे अपडेट्स, अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय।